वन एस अनबॉक्सिंग के लिए। सबसे पहले बात करें अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ आपको मिलता है 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस आई पी एस डिस्प्ले जिसका पीपीआई है 409। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर, इसमें चार कोर दी गई 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की और चार कोर दी गई हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। एड्रीनो 512 आपको मिलता है यहाँ जीपीयू। ये डिवाइस आता है डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ, प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 1.8 और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जिसका अपर्चर साइज है 2.0। 4000 mAh की बैटरी और ये डिवाइस आता है दो वेरिएंट में, पहला है 3GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 11,000 रुपये, दूसरा है 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी और इसका प्राइस है 13,000 रुपये। तो चलिए अनबॉक्स करके देखते हैं अपने Redmi Note 7S के 4GB 64GB वेरिएंट के ब्लू कलर को। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है ये एक और बॉक्स जिसमें दिया गया है ये कुछ पेपर्स और यहाँ एक ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर। इसके अलावा ये आता है अपना डिवाइस Redmi Note 7S जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ दिया गया है USB टू टाइप सी केबल और यहाँ जो एडेप्टर दिया गया है उसकी आउटपुट रेटिंग की बात करें तो वो है 5V एंड 2A का एक एडेप्टर। तो चलिए वापस आते हैं अपने Redmi Note 7S पर। दोस्तों ये है अपना Redmi Note 7S का ब्लू कलर। भाई डिज़ाइन की बात करें तो एकदम अमेजिंग डिज़ाइन है, ग्लॉसी फिनिश, एकदम आज के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ प्रीमियम डिज़ाइन। हाँ होल्ड करने में थोड़ा सा हैवी वेट लगता है, बट ऑलरेडी यहाँ पर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ मिलता है, इसीलिए फ़ोन थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा। ऊपर फ्रंट और बैक दोनों पर ही आपको ग्लास दिया गया है इसीलिए थोड़ा सा हैवी है, बट यार डिज़ाइन एकदम अमेजिंग है, आज के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ कमाल का डिज़ाइन आपको यहाँ मिलता है। वैसे अगर इसे कंपेयर करें किसी और डिज़ाइन से तो वो बहुत Redmi Note 7 है और डिज़ाइन ही क्या, पूरा फ़ोन ही Redmi Note 7 है। बाकी का बॉटम पार्ट पे आपको मिलेगा मीडिया स्पीकर टाइप सी केबल। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिलते हैं सिम और मेमोरी कार्ड स्लॉट्स। दोनों सिम और मेमोरी कार्ड आप यहाँ एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। टॉप पर आपको मिलता है एक आईआर ब्लास्टर 3.5mm का हेडफोन जैक, इसके अलावा नॉइज कैंसिलेशन माइक। तो राइट साइड पे आपको दिए गए हैं पावर की, इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल की। बैक पर आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप और कैमरा बम मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है यहाँ पर क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही है, बट यकीन पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको ये कैमरा बम भी पसंद आए। बाकी का LED फ्लैश है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Redmi का लोगो है और आज के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ डॉट नॉच डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है। ओवरऑल एक ट्रेंडी डिज़ाइन और ट्रेंडी डिवाइस, डिस्प्ले और प्रोटेक्शन सारी चीज़ें एकदम बढ़िया है। इसके अलावा P2i की कोटिंग भी आपको यहाँ मिलती है, यानी कि स्प्लेस रेजिस्टेंस ये डिवाइस पूरी तरह से नहीं बट एक दो छीटा वीटा आते हैं तो उससे आपके इस डिवाइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं Redmi Note 7S के UI फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर मिलेगा आपको Android 9, इसके अलावा MIUI का वर्जन 10.3। कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एप लॉक मिल जाएगा, इसके अलावा डुअल एप्स दिया गया है, दो फेसबुक दो व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए, इसके अलावा पावर सेविंग मोड वगैरह, सेकंड स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। ये है आपका क्विक एक्सेस पैनल जहाँ पर जरूरी आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर अवेलेबल रैम और स्टोरेज की तो C2Z नाम का केवल ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल्ड है और 64GB में से आपको लगभग 50GB का स्टोरेज पर्सनल यूज के लिए मिलेगा और 4GB की रैम में से 2GB की रैम फ्री है बिना एक भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड पर यूज किए। कुछ रिलोडेड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर Amazon, Facebook, Netflix, Telegram, Twitter, Opera News और Opera Mini, ये कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको यहाँ इंस्टॉल मिल जाएंगे। इसके अलावा लूडो मास्टर और ब्लॉक पजल गार्डियन, ये भी कुछ प्रीलोडेड एप्लीकेशन आपको यहाँ दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको MI Pay भी मिलेगा जो कि शायद अब से पहले मैंने किसी डिवाइस में नहीं देखा है, तो बाकी के डिवाइस पर भी अपडेट के बाद MI Pay आपको मिल जाएगा। बात करें अगर कैमरे की तो स्पेसिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो, इसके अलावा वीडियो के अंदर स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन वीडियो का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। इसके अलावा रेजोल्यूशन की बात करें तो फुल HD तक का आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर, साथ के साथ 60fps पर भी। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड आपको मिलेगा रियर फ्रंट दोनों के लिए, नाइट मोड दिया गया है, इसके अलावा पैनोरा मोड वगैरह भी दिए गए हैं। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल जो मैंने Redmi Note 7 से डिलाइट में कैप्चर किए हैं और यहाँ अगर 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा मोड को हटा भी दें क्योंकि वो आपको मैनुअली अनेबल करना होता है, तो अगर उस मोड को हटा भी दें तो भी मुझे यहाँ Redmi Note 7 के मुकाबले कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है।
बात करेंगे डिस्प्ले की तो यहाँ को मिलता है 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले। डिस्प्ले भाई एकदम अमेजिंग है, यहाँ मुझे किसी तरह का इशू देखने को नहीं मिला। मतलब ब्राइटनेस डिस्प्ले एकदम अमेजिंग है, आपको आउटडोर में डायरेक्शनल लाइट में बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। व्यू एंगल डिवाइस का बढ़िया है। इसके अलावा आईपीएस डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है तो कलर्स वगैरह भी आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है इसका रिजोल्यूशन, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 409 ppi है, तो एकदम अमेजिंग डिस्प्ले प्राइस के अकॉर्डिंग। हार्डवेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो पबजी जैसे गेम आप इस डिवाइस पर हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पर प्ले कर सकते हो। अल्ट्रा फ्रेम रेट या फिर एक्सट्रीम फ्रेम रेट या फिर HDR ग्राफिक्स का सपोर्ट आपको यहां नहीं मिलेगा। तो इस गेम को आप Redmi Note 7 S पर हाई ग्राफिक्स और हाई फ्रेम रेट पर बिना किसी लैग के बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा Redmi Note 7 S का अनबॉक्सिंग। इससे अगर Redmi Note 7 का 48 मेगापिक्सल वाला वर्जन कहे तो कुछ अलग नहीं होगा। इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी का Redmi Note 7 का कैमरा कंपैरिजन इसके साथ बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।